सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल टेक ज्ञान कुंज में स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए मैं डेली आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के वीडियोज अपलोड करता हूँ, उसी कड़ी में आज 13 अप्रैल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं इसमें सारे क्वेश्चनों को कवर किया हूँ, तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देखा कीजिए जिससे कि आने वाले पेपर में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलिए तो मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है, पूछ रहा है कि किस देश ने अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया। आपके पास चार ऑप्शन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया। मैं बता दूंगी, देखिए अभी हाल ही में कई देशों ने दिन प्रतिदिन अपने देश में कर्फ्यू और आपातकाल जैसी चीज़ों को, लॉकडाउन जैसी चीज़ों को लागू कर रहा है। उसी कड़ी में जो सऊदी अरब है अभी हाल ही में अनिश्चितकाल के लिए, अनिश्चितकाल का अर्थ क्या होता है, तो अनिश्चितकाल का अर्थ ये होता है कि उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो कब तक होंगी ये चीज़ें नहीं पता है। भारत में लॉकडाउन किया गया है तो 21 दिनों का किया हो गया था, अभी इसे बढ़ाने की मंत्रणा की गई, चाहे कई राज्यों ने इसे बढ़ा भी दिया है, 30 तारीख तक कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अनिश्चितकाल मतलब ये होता है कि ये पता नहीं होता है कि ये कब तक बढ़ाया जाएगा, चाहेगा तो 2 दिन में भी खत्म किया जा सकता है, चाहे जाएगा तो साल 2 साल 3 साल जितनी सरकार की मन उतनी दिन में खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समय कोशिश यहाँ पर ये भी और भी चीज़ भी मैं बता दूँ। देखिए अभी उड़ीसा सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था, 1 मई तक पंजाब ने बढ़ा दिया था, और महाराष्ट्र सरकार ने और बंगाल सरकार ने दोनों ने अभी भी 30 अप्रैल तक क्या कर दिया, लॉकडाउन को बढ़ा दिया। केंद्र सरकार हाल ही में 1-2 दिन में फैसला कर सकती है, जब भी फैसला कर दे 14 तारीख से पहले, आज 13 तारीख हो गया, 14 तारीख से पहले अर्थात आज ही हो सके तो सरकार फैसला कर दे या कल फैसला कर दे कि इसे बढ़ाया जा सकता है, लगभग हो सके तो इसे सभी राज्यों में बढ़ाया जा सकता है। तो अभी अनिश्चितकाल के लिए किसने बढ़ा दिया है, सऊदी अरब ने। जापान ने क्या किया था, अभी 1 महीने के लिए क्या किया था, आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, IMF की MD ने किस भारतीय को सलाहकार के रूप में चुना है, पूछ रहा है जो IMF की MD हैं वो अभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन IMF की MD कौन है, तो IMF की जो MD हैं वो कौन सी हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो हैं वो फिलहाल में IMF की MD, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रख लीजिएगा IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, तो किसने किसको सलाहकार के रूप में चूज किया है, तो अभी रघुराम राजन जी को क्या किया है, सलाहकार के रूप में चुना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, RBI द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया है, पूछ रहा है कि RBI के द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया है, तो याद रखिए जिसका जो राइट आंसर अमिताभ बच्चन है। देखिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो लॉकडाउन है इसमें क्या किया, लोगों को घर में अंदर है तो उसको डिजिटल लेन देने के लिए सब्जी वगैरह चीज खरीदने, चाहे किसी भी चीज को परचेजेस करने के लिए, चाहे किसी भी चीज जैसे रिचार्ज वगैरह जो भी चीज है, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, डिजिटल लेन देन के लिए RBI के द्वारा ट्विटर अभियान चालू किया गया, जिसका प्रमुख किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया, जिसको ये क्या करेंगे प्रचार प्रसार करेंगे जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले कि इसमें क्या किया जाए, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन किया था फोर्ब्स में जारी यंगेस्ट विलियनर्स में कौन शीर्ष पर है, पूछ रहा है कि जो फोर्ब्स के द्वारा सूची जारी की गई थी, देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई थी, उसमें भारत के मुकेश अंबानी उनको अनिल अंबानी जो है उनको क्या किया गया था, 17वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है ना, 17वें स्थान पर रखा गया था फोर्ब्स की जारी सूची में। पहले स्थान पर कौन थे, पहले स्थान पर थे जेम्स बोसेफ थे जो कि प्रथम स्थान पर जो कि अमेजन के मालिक हैं, दूसरे नंबर पर बिल गेट्स थे। तो इसी कड़ी में पूछ रहा है कि अभी फोर्ब्स की जो जारी की गई है सूची, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फोर्ब्स है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फोर्ब्स की स्थापना की गई थी 1917 में की गई थी, याद रख लीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन बन जाता है। अब पूछा जा रहा है कि जो यंगेस्ट बिलियनर्स की बात कर रहा है तो इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, काइनी जेनर ने, ये कॉस्मेटिक सामान की जो हेड है ये मानी जाती है। ठीक है ना, काइनी जेनर। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, अलेक्जेंडर एंडरसन है, दूसरा है कैटरीना एंडरसन है, तीसरा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो भी हैं ये आप लोगों को एक चेन बनाकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये अभी और भी पूछ सकते हैं, जो फोर्ब्स के फिलहाल में हेड है वो कौन है, स्टीव फोर्ब्स है, स्टीव फोर्ब्स जो है वो फोर्ब्स के फिलहाल में हेड है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट, गलत दे दिया है, शीर्ष होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शीर्ष आवेदन देश कौन बना है, जापान, रूस, चीन, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन करने वाला शीर्ष देश बन गया है। फिलहाल में देखिए कई देशों की जो भी
उनके शेयर हैं वो खरीदने की कोशिश कर रहा है चीन, इसलिए कि चीन लगभग लगभग 90 से 95% तक अपने देश में काबू पा लिया है। और अमेरिका जैसी हाल देश की जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है, जो कि एक सुपर पावर देश के रूप में जाने जाते हैं। भारत ने अभी हाल ही इस पर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन पहले स्थान पर हमेशा चलता आया है अंतर्राष्ट्रीय पेट्रेड के रूप में अमेरिका चलता आया है, लेकिन अभी हाल ही में कौन हो गया चीन, क्योंकि छोटी मोटी जो भी कंपनियाँ हैं चीन की, जो भी कंपनियाँ चीन चीन की सॉरी अमेरिका की जितनी भी कंपनियाँ, उससे खरीदने के लिए वो क्या कर रहा है, वो प्रेरित कर रहा है कि हम आपकी कंपनियों को खरीद लेंगे, हम आपकी कंपनियों को चलाएंगे। तो चीन अभी फिलहाल में क्या कर रहा है, प्रथम स्थान पर प्राप्त कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है COVID-19 पर 73 देशों की प्रतिक्रिया ट्राई कर, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, इसमें भारत ने स्कोर किया। देखिए अभी हाल ही में COVID-19 पर कोरोना पर 73 देशों की एक प्रतिक्रिया ट्रैकर की गई है, किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसके द्वारा प्रतिक्रिया ट्रैकर की गई है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने देशों के लिए किया गया, 73 देशों पर किया गया है कोरोना पर। तो इसमें भारत को कितने अंक प्राप्त किए, इसमें अंक दिया गया है जितने भी देश हैं उनको क्या किया जा रहा है, अभी लॉकडाउन की स्थिति में देखा जा रहा है, इसमें लॉकडाउन की स्थिति के बाद भी देखा जा रहा है कि कौन सा देश कितना सक्षम है अपने देश को चलाने में, क्योंकि उनके अभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, उनके जितने भी हैं सब चीजों को बंद करने, रेलवे वगैरह बंद होने के बाद भी उनकी देश की अर्थव्यवस्था किस स्तर पे, उनको कितने अंक प्रदान किए गए। तो भारत अभी भी देखिए थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है, हम बाकी देशों की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है, जैसे कि इटली वगैरह, जर्मनी वगैरह जैसे देश जो अभी हैं, अमेरिका वगैरह देश जो अभी हैं, इनको क्या क्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर संक्रमित लोग देखने को मिल रहे हैं, तो भारत को इसमें 100 अंक प्रदान किए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु इंटरग्रेटिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम नामक सेवा की है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राज्य सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन होते हैं इसमें सारे क्वेश्चनों को कवर करता हूँ। अभी पूछ रहा है आरोग्य सेतु इंटरग्रेटिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम नामक सेवा शुरू की है, आप पूछ रहा है किसने शुरू की है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, 100 ऑप्शन है सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। आरोग्य सेतु अभी फिलहाल में किसने लॉन्च किया था, अभी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सिर्फ वह उन्हीं लोगों के लिए आरोग्य सेतु पहुंच पाएगा, ये ऐप उन्हीं लोगों के पास पहुंच पाएगा जिनके पास मल्टीमीडिया सेट हो गए। लेकिन अभी एक पहल की है तमिलनाडु सरकार ने, इंटरग्रेटिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जो लोगों के पास कीपैड वगैरह मोबाइल होंगी उनके पास भी ये वॉइस के रूप में जो COVID-19 अर्थात कोरोना के बारे में जानकारी उन लोगों के पास पहुंच जाएगी जिन लोगों के पास होगी। इसी कड़ी में आरोग्य सेतु इंटरग्रेटिव वॉइस रिस्पॉन्स नामक ऐप को शुरू अर्थात सिस्टम को शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहल की है। ठीक है, अभी को ये भी आ जाता है IVRS करके कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, तो याद रख लीजिएगा इंटरग्रेटिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा एक चीज़ अभी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु के अभी फिलहाल में CM कौन है, तो तमिलनाडु के CM कौन है, एडापड्डी पीस प्लाना स्वामी, याद रख लीजिएगा एडापड्डी पीस प्लाना स्वामी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया गया, पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस है वो कौन कब मनाया गया। देखिए एक चीज़ जान जाइए यहाँ पे, 12 अप्रैल 1961 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान भरा गया था, मानव के द्वारा उड़ान भरा गया था अंतरिक्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा भरा गया था, तो लिली गैगरीन के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पहली उड़ान किसके द्वारा किया गया था, लिली गैगरीन के द्वारा पहली बार उड़ान भरा गया था 1961 में, कितने तारीख को, 12 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल को इसीलिए क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चरक नामक डॉक्टर बूथ किस रेलवे जोन ने डॉक्टरों को COVID-19 से लड़ने के लिए लॉन्च किया, पूछ रहा है कि जो चरक नामक डॉक्टर बूथ है किस रेलवे जोन ने डॉक्टरों को COVID-19 से लड़ने के लिए लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे जो है वो चरक नामक डॉक्टर बूथ लॉन्च करने के लिए डॉक्टरों ने COVID-19 से लड़ने के लिए लॉन्च किया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए इसमें जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं इनको कोरोना फाइटर के रूप में इस समय लोग जाना जा रहा है, तो वो क्या किया है, डॉक्टरों को भी कोरोना संक्रमित होता है, इसी चरण में क्या किया पश्चिमी रेलवे, ये पश्चिमी रेलवे कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल, याद रख लीजिएगा भोपाल में, के द्वारा किया गया है अभी डॉक्टर बूथ नामक एक चरक नामक डॉक्टर बूथ एक लॉन्च किया गया है, जिसमें COVID-19 से लड़ने के लिए डॉक्टरों के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, इनका जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिया जा सकता है आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा, इनमें से कौन आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कौन कौन से समाज होते हैं उनमें, किसमें इसमें सत्य शोधक समाज, इसमें से कौन सा ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया, तो क्वेश्चन बन सकता है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज हो गया। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। अब ये पूछ रहा है कि इनका जन्म दिवस तिथि कब मनाया जाता है ज्योतिबा फुले का, तो अभी फिलहाल में इनका मनाया गया। अभी वेंकैया नायडू ने इनको क्या किया, इनके जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया इनको, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने तारीख को मनाया जा सकता है, मनाया जाता है, तो ये 11 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट के रूप में लेकर आता हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। अभी हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर जैकी डुप्रीज का निधन हो गया। जैकी डुप्रीज ये कौन थे, ये एक अफ्रीकन खिलाड़ी थे जो कि जिम्बाब्वे के क्या रहे, कोच भी रह चुके हैं जैकी डुप्रीज। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 1967-1968 के अप्रॉक्स में क्या किए थे, ये क्रिकेट खेले थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ाई आपके द्वारा नामक पोर्टल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। पढ़ाई आपके द्वारा लॉकडाउन को आपको देखते हुए कई कई राज्यों ने अपनी अपनी पहल की है। कई राज्यों ने किसी यूट्यूब पर वीडियोस पढ़ाने के लिए कई ने ऐप लॉन्च किया है, कई ने कई प्रकार की, उसी घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पढ़ाई आपके द्वारा नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो भी जो छोटे क्लासों के लड़के होंगे या बड़े क्लास के लड़के होंगे, उनको घर पर बैठ कर पढ़ने के लिए एक डिजिटल नामक एक पढ़ाई आपके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कि लड़के अपनी पढ़ाई को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक चीज़ और भी लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था रक्षा सर्व नामक ऐप लॉन्च किया गया था। रक्षा सर्व ऐप जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा किया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के फिलहाल में सीएम कौन है, ये भी जल्दी से याद कर लीजिए, भूपेश बघेल है। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, अनुसुईया उइके जी हैं, अनुसुईया उइके जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शरीफ ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। पूछ रहा है कि बांग्लादेश के जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शरीफ ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी मोहम्मद शरीफ ने अभी क्या किया है, तो बांग्लादेश के पूछा जा सके ये कब डेब्यू किए थे, 2001 में डेब्यू किए थे और इन्होंने 2007 में अपना अंतिम मैच खेला था, जिसके बाद ये नहीं किए थे, लेकिन अंततः ये इन्होंने 2020 में आकर क्या किया, संन्यास ले लिया, क्योंकि इनके टीम में चयन अच्छा प्रदर्शन ना करने की वजह से नहीं हो पा रहा था, इसके बाद इन्होंने ले लिया। अब पूछा सकता है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, ढाका है, आप लोगों को ये भी याद होगा। यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है, याद रख लीजिएगा। शेख हसीना जी यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और इससे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोगों की चेन बनाकर याद करना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कर देता हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन रह जाती है तो मैं उसमें सारे क्वेश्चन को आगे आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि जो तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।